वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल एस्ट्रो साई गुरु। आज का जो है विषय है व्हाट इज सक्सेस एंड अफर्मेशन फॉर सक्सेस, सफलता क्या है और सफलता के लिए संकल्प। देखिए ये विषय जितना सिंपल है उतना ही ये कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि सफलता पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। देखिए आपका मेहनत काम करता है, आपका लक काम करता है, टाइमिंग काम करता है और द ग्रेस ऑफ द गॉड और द ऑलमाइटी काम करता है। तो लोग सोचते हैं और लोगों का सही सोचना भी है कि सक्सेस इज़ द की टू हैप्पीनेस, कि सफलता और खुशी साथ साथ चलती हैं। वो कहते हैं सक्सेस इज़ द की टू हैप्पीनेस, दैट इज़ अगर हमारे पास सफलता होगी तो हम खुश होंगे। ये बिल्कुल ठीक भी है, मगर इसमें हम ये देखिए सफलता पाने के लिए जो है हमें सफलता जो है बहुत ही काफ़ी समय बाद मिलता है। एग्जांपल के लिए हम एक ले लें कि किसी ने अपने ज़िंदगी में एक मकान बनाना है। कई लोग होते हैं उनको जो है ज़िंदगी भर वो सपना पूरा नहीं हो पाता, तो वो क्या दुखी रहे कि उनको ये जो है उनकी जो है ये मनोकामना पूरी नहीं हुई। दूसरा किसी की मनोकामना है कि मेरे को गाड़ी लेना है, तो उसके लिए 10 साल 20 साल 30 साल कभी कभी 40 साल भी लगा। तो जब तक उसके पास गाड़ी नहीं है तो वो दुखी रहे, ये विचार करने योग्य है मेरे फ्रेंड्स। तो इसके विपरीत मैं कॉन्ट्रेरी व्यू ये दे रहा हूँ कि आप जो है सक्सेस के परिभाषा को चेंज करें। इसके विपरीत ये आएगा हैप्पीनेस इज़ द की टू सक्सेस। आप हर पल अगर आप खुश हैं तो सक्सेस आपके कदमों पे होगी, ये आप इसको अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए जो है देखिए सफलता कब मिलेगी या ना मिले नहीं मिलेगी ये जो है बहुत सारा निर्भर करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। आपने हार्डवर्क भी किया, आपका लक भी ठीक था, फिर भी हो सकता है कोई गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आ गई या कुछ भी, मगर आपने अगर अपने जीवन में रखी है कि मैं हर टाइम खुश रहूँगा, तो आप जब खुश रहेंगे तो आप पॉजिटिव वाइब्स पॉजिटिव वाइब्रेशंस पॉजिटिव एनर्जी इस ब्रेन को देंगे और इस ब्रेन से जो वेव जाएंगी यूनिवर्स में वो लौट के वापस क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव वेव्स ऑफ द यूनिवर्स आपके पास वापस आएंगे। तो आपके पास अगर आपको गाड़ी मिली या ना मिली, आपने सोचा था कि मेरे को गाड़ी 10 साल में चाहिए और आपने जो है मेहनत भी किया और आपने एफर्ट भी किए, तो आप अगर ये व्यू रखेंगे तो आपको हो सकता है 2 साल में ही गाड़ी मिल जाए या मकान मिल जाए या जो भी चीज़ आपने कामना की है। तो पहला एक व्यू, एक और ये आता है कि हमारे साथी, मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है या मेरा जो साथी है वो जो है कामयाब, मेरे से ज़्यादा कामयाब हो गया या सक्सेसफुल हो गया, तो हमें खुशी ऊपरी तौर से होती है, अंदर से नहीं होती है। वो कहते हैं देखो जो कि वो तो कामयाब हो गया, मगर साथ में हमारे मन में अंदर एक जेलसी ईर्ष्या की भावना ईर्ष्या की फीलिंग आती है जो कि सही नहीं। अगर ये ईर्ष्या या जेलसी की फीलिंग आती है तो आप ज़रूर जो है अपने आप को चेक करें कि ये जो नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही है ये जो है आपके दोस्त को या आपके साथी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये जो है आपको ये जलसी और ये ईर्ष्या आपको जला के रख देगी और आपको जो है नेगेटिव फीलिंग इतना आपके माइंड में घुस जाएगा कि आपके ब्रेन वही कंटिन्यूस नेगेटिव फीलिंग जलसी जो है उसी पे वर्क करेगी। तो इसलिए आपको जो है इंस्टेड ऑफ कि वो जो है कामयाब है आप उसको जो है उसकी सक्सेस में आप रिजॉइस करें। ये कहना कठिन है मगर इसको आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। थर्ड टिप आता है कि कुछ लोगों को सम पीपल हैज दिस हैबिट ऑफ होल्डिंग नेचर। वो कहते हैं बातों को पकड़ कर बैठे रहते हैं कि भाई 5 साल पहले उसने ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा बोला या 7 साल पहले उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया। तो ऐसा कर हम माइंड पर अपने माइंड पर नेगेटिव एनर्जी का एक बहुत बड़ा बोझ रख लेते हैं और वही नेगेटिव एनर्जी हमारे ब्रेन को सप्लाई होती रहती है, जिससे हमारी ये बुरी सोच के कारण बुरे नेगेटिव एनर्जी के कारण हमें जो है कंटिन्यूस फ्लो ऑफ नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स मिलता रहता है। इसको आप समझें कि ऐसे सोच कर जो है हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो इसके विपरीत आप क्या करें, आप
देखिए इसके विपरीत ऐसा है कि आप इस बैड एनर्जी को रोकने के लिए आप जो है हमेशा कंटिन्यूस अफर्मेशन दीजिए अपनी अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना पॉजिटिव एनर्जी दीजिए और किससे, मैं सक्सेस इज माई बर्थ राइट, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये आप बोलें। और इससे क्या होगा कि आपके जो माइंड का जो जो पूरा जो जो उसको न्यूरो पाथवेज हैं वो चेंज हो जाएंगी और उसमें पॉजिटिव वाइब्स आती रहेंगी, और जब पॉजिटिव वाइब्स आएंगी तो आप देखेंगे सक्सेस जो है आपके पीछे पीछे आती रहेगी और आपको जो है एफर्ट्स आपके पॉजिटिव और सक्सेसफुल रहेंगे। तो इसीलिए एक ये फैक्ट है। चौथा फैक्ट ये है कि बहुत लोग का आदत है कि वो बातों को होल्ड करके रखते हैं और जीवन में आने वाली जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं। वो बातों को जो होल्ड करके रखते हैं उससे जीवन में आने वाली गुड या गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ यू आर मिसिंग, बिकॉज गॉड इज़ ऑलवेज सेंडिंग अस गुड गुड एंड पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ टू अस ऑल द 365 डेज, बट इट इज़ ऑन आवर पार्ट कि हम उसको कैसे उसको यूटिलाइज करें हमारे बेनिफिट के। तो इसीलिए मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, आप किसी मैं आपसे सिर्फ दो ही रिक्वेस्ट करूँगा। पहला, आप जो है पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनाए रखें अपने थॉट्स में, अपने विचारों में और अपने फीलिंग्स में। इससे क्या है कि आपका ब्रेन पॉजिटिव रहेगा हमेशा। और दूसरा, पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहिए, सक्सेस इज़ माई बर्थ राइट या सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये आप चैंट करते रहें। तो मित्रों ये आप जो है करें और मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर कि भाई आपने ये किया आपको क्या क्या उसका फल मिला। दूसरा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एस्ट्रो साई गुरु और प्लीज़ फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और जो लोग मेरे से एस्ट्रो स्पिरिचुअल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं उन्होंने ऑनी टॉपिक रिगार्डिंग जॉब बिजनेस लीगल चिल्ड्रन का और भी कोई इशूज़ हो उसके बारे में, वो मेरे से व्हाट्सअप पे कंसल्टेंसी ले सकते हैं ओनली ऑन व्हाट्सअप। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8882758582 और मेरा दूसरा नंबर है 8010001346। मैं आपको गुड विशेस देता हूँ फॉर ऑल योर फ्यूचर विजेस। थैंक यू फ्रेंड्स।